हेलो मॉमीज, वेलकम चिपकाने का अनपावित शो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाई फीवर इन बेबीज़। तो आपको पता है ये मौसम ही बहुत अजीब चल रहा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो बहुत अजीब मौसम चल रहा है। तो इस मौसम में मोस्टली बेबीज़ को फीवर होने के चांसेस हो जाते हैं और हाई फीवर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। मोस्टली हमने कॉमन देखा है कि इस मौसम में, क्योंकि एक तो ये मौसम गर्मी सर्दी दोनों का है, तो एकदम से हम बाहर जाते हैं तो गर्मी लगने लग जाते हैं, घर में हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है तो सर्दी गर्मी का मौसम हो जाता है। तो इस केस में ना बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं या फिर 1-3 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, वायरल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी होम रेमेडीज़ जो आप अपने बेबी के साथ अप्लाई कर सकते हो जब बेबी को हाई फीवर हो, ताकि आप मेडिसिन तो दो ही और बाकी आप होम रेमेडी से भी बेबी को क्योर कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि मेरे पास एक आउट ऑफ द बॉक्स एक टिप है आप लोगों के लिए जो आपको हेल्प करेगी इस वायरल इन्फेक्शन के लिए। सो गाइस प्लीज़ जो नीचे बेल आइकन है उसे क्लिक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल कनिका एंड पवित शो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड जो भी आप रिलेट कर सकते हो इस वीडियो से तो प्लीज़ टाइप जी फॉर गुड। सो लेट्स स्टार्ट। सो मोस्टली हमने ये देखा है कि जब भी बेबी को फीवर होता है कोई भी रीज़न की वजह से, लाइक वैक्सीनेशन की, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड एंड कफ, कोई भी रीज़न की वजह से होता है, अगर बेबी को 99 फीवर है तो हम उसको ईजिली क्योर कर सकते हैं। सो सिंपल हम क्रोसिन या पैरासीटामॉल दे देंगे, अकॉर्डिंग टू द बेबी वेट हम उसको उतनी डोज देते हैं और 6-7 आवर्स में हम फिर रिपीट करते हैं अगर फीवर नहीं उतरता, एंड देन उसको नॉर्मल होम रेमेडी से हम क्योर कर सकते हैं। बट अगर बेबी का फीवर 100 से ऊपर जा रहा है, 100 है, तो हमें कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से, बिकॉज 100 से ऊपर या 100 से जा रहा है फीवर तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं बेबी की इस हाई फीवर की वजह से। सो आपको सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, एंड जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें मेडिसिन वो आपको लेनी है इमीडिएटली, बिकॉज बेबी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। सो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन हमें होम रेमेडीज भी अप्लाई करते रहना है बेबी के लिए, ताकि वो जल्दी से क्योर हो जाए। सो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी पवित के टाइम पे, जब भी उसको हाई फीवर हुआ था आफ्टर मेडिसिन हमने ये कुछ टिप्स अप्लाई करी थी, ताकि उसका जो हाई फीवर है वो ज़्यादा ना बढ़े, मेडिसिन के साथ वो क्योर होता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज़ हमें बेबी को ओवर ड्रेस नहीं करना है। ओवर ड्रेस का मतलब है कि हमें जब भी बेबी को फीवर हो रहा होता है तो हमें लगता है कि बेबी को सर से लेकर नीचे तक हमें ड्रेस कर दो, उसे कवर रखो ताकि उसको बुखार ना हो, बट दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी बुखार में बेबी गर्म होता है और हम उसको गर्म कपड़े या उसको कवर कर देंगे तो हीट जो है हमारी ट्रैप हो जाएगी और बेबी ईजली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, मतलब उसको अजीब लगेगा और ऑलरेडी वो गर्म है तो उसे और गर्म लगेगा। तो आपको नॉर्मल कपड़े पहनाने, उसको ओवर ड्रेस नहीं करना है। अगर आपने कैप वैप पहनाई हुई है थोड़ा सा उसे काम डाउन, मतलब उसको अगर गर्मी में हुआ है फीवर तो उसे पतली सी कॉटन की टी शर्ट पहनाओ, और अगर सर्दी में हुआ है तो पतला सा ही बनाओ, ज़्यादा ओवर ड्रेस नहीं करो ताकि वो प्रॉब्लम में ना आए। सेकेंड, उसके कैप्स मिटन सॉक्स से कवर ना करो, क्योंकि यही रीज़न है कि अगर बेबी कवर होगा बहुत ज़्यादा तो वो हीट ट्रैप हो जाएगी, हीट एक्सपोज नहीं हो पाएगी और बेबी को गर्मी लगेगी और हमें लगेगा कि बेबी को फीवर हाई हो रहा है, और ये रीज़न हो सकता है कि बेबी ने ओवर ड्रेस करा हुआ है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मोस्टली आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, सबसे पहले जो डॉक्टर करता है ना वो बेबी को अनड्रेस करता है, फिर उसके बाद वो टेम्परेचर चेक करता है कि बेबी को कितना टेम्परेचर है। सो आप ये ट्राई कर सकते हो। थर्ड इज़ बेबी को वेल वेंटिलेटेड वेल कंफर्टेबल रूम में रखो। मतलब वेल वेंटिलेटेड वेल कंफर्टेबल रूम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हवा आए बेबी को, डायरेक्ट हवा नहीं चाहिए बेबी को, बट हवा आए बेबी को, ताकि फ़ैन से या तो 1-2 स्पीड पे चलाओ, अगर आप एसी चला रहे हो तो 25-28 डिग्री सेल्सियस पे चलाओ, और अगर आप फ़ैन चला रहे हो तो 1-2 पे फ़ैन चलाओ, बट चलाओ ज़रूर, क्योंकि बेबी को वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि बेबी का जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म हो रहा होता है, तो आप उसको गर्मी में रखोगे तो वो और गर्म होगा,
तो उसको वेल वेंटिलेटेड वेल कंफर्टेबल रूम में रखो ताकि वो ईजिली क्योर हो सके और उसे अच्छा लगे, क्योंकि बेबी बता नहीं पाता है तो बेबी को बहुत सफोकेशन होने लग जाती है अगर आप उसको ज़्यादा गर्मी में रखोगे तो। फोर्थ इज़ उसे स्पॉन्ज करो। सबसे बेस्ट टेक्निक है ये, आप बेबी को स्पॉन्ज करोगे ना तो बेबी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है स्पॉन्ज से एक तो बेबी को रिलैक्स फील होता है, जो उनका टेम्परेचर है बेबी का वो रिड्यूस होता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे बेस्ट जो है तीन एरिया में आपको स्पॉन्ज करना ज़रूरी है। एक तो फोरहेड पे, बेबी को फोरहेड पे स्पॉन्ज करो। आप स्पॉन्ज कैसे करेंगे, आप नॉर्मल पानी लो, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल पानी लो, आप कॉटन का क्लॉथ लो, वो उसके ऊपर डिप करो और बेबी के यहाँ पे फोरहेड पे रखो, यहाँ पे रखो, नेक पे रखो, सेकंड नेक पे रखो एंड थर्ड आर्मपिट पे रखो, थर्ड आर्मपिट पे। ये तीन जगह हैं जहाँ पे बेबी जल्दी से क्योर होता है और बेबी को अच्छा लगता है और रिड्यूस होता है टेम्परेचर। तो आपको फोरहेड पे रखना है, नेक पे रखना है एंड आर्मपिट पे रखना है, तो बेबी को अच्छा लगेगा और आपको उसका देखोगे आप थोड़े टाइम में उसका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज होने लग जाएगा। सो ये बेस्ट टेक्निक है। और फिर बाकी थोड़ी सी उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉन्ज कर दो तो उसे अच्छा लगता है बेबी को। और प्लीज़ ये जब आप स्पॉन्ज टेक्निक अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्ट हवा नहीं जानी बेबी को, फ़ैन बंद करके करना, क्योंकि बेबी ऑलरेडी पानी के कांटेक्ट में होगा और हवा जाएगी तो थोड़ा सा बीमार होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आउट ऑफ द बॉक्स टिप है आपके लिए, वो है कि बेबी को हाइड्रेट रखो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फीवर, कि अगर आप बेबी को हाइड्रेट रखोगे तो बेबी मतलब ईजिली क्योर हो सकता है। लाइक हमें फीवर होता है तो हमें कुछ मन नहीं करता है खाने का, ऐसे बेबी को, बट आप बेबी को हाइड्रेट रखोगे जितना बेबी के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हाइड्रेशन से ही बेबी कूल होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और बेबी को अच्छा लगेगा और उसमें एनर्जी बनी रहेगी। ये नहीं कि वो डिहाइड्रेट रहेगा। तो आप हाइड्रेट एनी फॉर्म में रख सकते हो, आप बेबी को ORS पिला सकते हो, आप बेबी को कोकोनट वाटर पिला सकते हो, आप बेबी को नॉर्मल पानी पिला सकते हो, इलेक्ट्रोल का पानी पिला सकते हो, आप सूप पिला सकते हो, जूस पिला सकते हो, थोड़ा वार्म, ये नहीं कि ठंडा ठंडा, नॉर्मल, सारा सब नॉर्मल, यानी कि फ्रिज का रखा हुआ नॉर्मल जूस, नॉर्मल सूप, आप कुछ भी पिला सकते हो जिससे बेबी हाइड्रेट रहे और उसे अच्छा लगे, क्योंकि हाइड्रेशन से बेस्ट कुछ नहीं है। हम अगर हाइड्रेट रहते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ऐसे ही बेबी हाइड्रेट रहेगा तो उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी। तो आपको हाइड्रेट रखना है बेबी को एट एनी कॉस्ट, चाहे बेबी थोड़ा नहीं पीने का मन, थोड़ा थोड़ा सिपर में पिलाओ, कटोरी चम्मच से पिलाओ, इट एनी वे आपको पिलाना है बेबी को। सो दिस इज़ द आउट ऑफ द बॉक्स स्टेप कि बेबी को हाइड्रेट रखना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज़ बेबी को रेस्ट कराओ। जितना बेबी को रेस्ट कराओगे उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि क्या होता है बेबी के लिए, लाइक पवित भी जब थोड़ा सा ठीक होता है ना, जब फीवर होता है तब तो वो लेटे रहते हैं, और जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है तब उसको खेलना है, तो नहीं, बेबी को रूम अपने बेड पे ही रेस्ट कराओ जब तक दो तीन दिन में वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि वायरल फीवर जो है वो एटलीस्ट 3 to 5 days लेता है, और वायरल फीवर में पहले एकदम से बढ़ेगा फीवर, फिर आप मेडिसिन दे दोगे तो कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट इज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम है डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि आपको यही पता है कि मौसम बहुत अजीब चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, कोरोना भी है, तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। मेरा होम रेमेडी खाली 1 to 2 days अप्लाई करो, आपको इफेक्ट नहीं दिख रहा तो सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना है। सो प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ योर बेबीज, एंड क्योंकि मौसम बहुत अजीब चल रहा है, एवरीवन इज़ कैचिंग कोल्ड एंड कफ एंड फीवर, तो प्लीज़ Be safe, enjoy my video. I love to share all experience with you. And please guys, like, share and subscribe my channel Kanika Empowered Show. And please, जो भी आपकी information चाहिए please comment section में लिखें. And जो भी आपको कुछ भी experience about this please comment section में लिखें. Please guys, thank you, bye. Like, share and subscribe our channel Kanika Empowered Show. And keep watching our videos and enjoy. Thank you.